हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। के योग्य हूँ। आप तो जानती हैं कि बड़े भैया अपराधी नहीं हैं। उन्होंने कोई पाप नहीं किया। यदि इन पापों का दायित्व युधिष्ठिर के सिर पर नहीं है तो फिर इन पापों का कारण केवल तुम हो केशव, केवल तुम। मैं जानती हूँ तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सामर्थ्य को भली भांति जानती हूँ। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, कदापि नहीं होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कौरव और पांडव एक दूसरे के हाथों मरते रहे और तुम केवल दर्शक बन के देखते रहे। इसलिए हे केशव, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरी गोद सुनी हो गई है, जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। जैसे कौरवों और पांडवों ने अपने आप में खून बहाया है, एक दूसरे का खून बहाया है, ऐसे ही यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम केवल दर्शक बनकर देखते रहोगे। कहाँ है वो कायर पापी? आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है माता श्री। मैं ही वो नीच राक्षस हूं जिसके कारण संपूर्ण कुल का विनाश हुआ। आप मुझे श्राप दीजिए माता श्री, खोल कर श्राप दीजिए, और ऐसा श्राप दीजिए कि भगवान का आशीर्वाद भी उसके सामने ना फले। मैं आपके श्राप के योग्य हूं माता श्री, केवल आपके श्राप के योग्य हूं। तुम्हें श्राप चाहिए ना, तुम्हें श्राप भी मिल जाएगा। नहीं महारानी, आप तो जानती हैं कि बड़े भैया अपराधी नहीं हैं। उन्होंने कोई पाप नहीं किया। केशव, गुरुकुल की स्त्रियों ने कभी आंसू नहीं बहाए थे, उनकी हंसी
सदा मोती लुटाती थी, पर आज आज ये स्त्रियां अपना सीना पीट पीट कर रो रही हैं। लज्जा इन सब स्त्रियों का सबसे अनमोल जेवर था केशव। लज्जा और शर्म के मारे ये कुल वधुएं किसी भी पुरुष के सामने नहीं आती थी, परंतु आज आज ये सब नंगे सिर सभी के सामने आक्रोश कर रही हैं। इन पापों को किसके प्रारब्ध में डालोगे केशव, किसके प्रारब्ध में? कौन है वो पापी? यदि इन पापों का दायित्व युधिष्ठिर के सिर पर नहीं है, तो फिर इन पापों का कारण केवल तुम हो केशव, केवल तुम। ये सारी स्त्रियां अनाथ हो गई हैं, इसका कारण भी तुम हो केशव, केवल तुम, क्योंकि तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, कुरुकुल का संहार अवश्य टाल सकते थे। मैं जानती हूं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, कदापि नहीं होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कौरव और पांडव एक दूसरे के हाथों मरते रहे और तुम केवल दर्शक बन के देखते रहे। इसलिए हे केशव, युधिष्ठिर से अधिक तुम मेरे श्राप के अधिकारी हो। इसलिए हे जनार्दन, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरी गोद सुनी हो गई है, जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। जैसे कौरवों और पांडवों ने अपने आप में खून बहाया है, एक दूसरे का खून बहाया है, ऐसे ही यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम केवल दर्शक बनकर देखते रहोगे। यादव कुल की स्त्रियां भी कुरुकुल की स्त्रियों की तरह रोएंगी, सीना पीटेंगी और आक्रोश करेंगी। बस करो दीदी, बस करो। नहीं बुआ, इन्हें रोको मत, बोलने दो इन्हें। महारानी के मुख से निकला हुआ हर शब्द मुझे भविष्य की सच्चाई का चित्र दिखा रहा है। इन दुखी दिलों की व्यथा यही रूप धारण करेगी। केशव, तुमने दुख ही इतने दिए हैं कि ये दुखियारियां तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। तुमने दूसरों का वध किया है, इसीलिए हे केशव, तुम्हारा भी वध होगा और अधर्म से होगा। तथास्तु। पुत्रों की सामूहिक चिता को आग नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं। महाराज, कौरवों की चिता को आप ही को अग्नि दिखानी है, संस्कार तो पूरे करने ही पड़ते हैं ना। यह कैसा संस्कार है? मैंने अपने पुत्रों को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था, 100 में से मेरा एक पुत्र भी नहीं बचा। जाने क्या दशा होगी उनकी। अच्छा ही हुआ जो भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी,
बहुत अच्छा हुआ, अन्यथा अपने 100 पुत्रों की लाशें, उनके कटे हुए सिरों के ढेर, चिरे हुए सीने, उखड़े हुए हाथों को कैसे देख सकता था, कैसे देख सकता था। प्रारब्ध ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी है, जिस वाटिका के पुष्पों को अपने खून से सींचा था मैंने, उसी पुष्प वाटिका को अपने ही हाथों से आग लगानी पड़ रही है। ईश्वर कभी किसी बाप को ऐसी परीक्षा में न डाले, कभी न डाले, कभी न डाले। महाराज, मैं आपके मन की व्यथा को समझ रहा हूं, परंतु युद्ध का भुगतान तो सबको भुगतना ही पड़ता है। आपके सभी पुत्र मारे गए, परंतु पांडव के भी सभी पुत्र मारे गए। माता गांधारी की गोद सूनी हो गई, परंतु द्रौपदी की गोद भी सूनी हुई है। वासुदेव, तुम बात तो धर्म की ही कर रहे हो, पर तुम मेरे मन की दशा को नहीं समझते। तुम नहीं जानते, अपने पुत्रों के रहते हुए मैं अंधा होकर भी अंधा नहीं था। वो मेरी आंखों की ज्योति थे, पर अब मैं सचमुच अंधा हो गया हूं, सचमुच अंधा हो गया हूं। ताच्छरी, आपने जो कहा वो सत्य ही है। संतान के बिना माता पिता के जीवन में अंधकार छा जाता है, परंतु इससे भी बड़ा सत्य मृत्यु है। मृत्यु को सत्य मानकर चलिए और अपने पुत्रों की चिता को अग्नि दीजिए। नहीं वासुदेव, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ताच्छरी, आपकी ये भावुकता केवल इस बात पर निर्भर है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का अंत हो जाता है। शरीर तो मरते हैं, पर आत्मा नहीं मरती। महाराज, आत्मा तो नए शरीर धारण ही करती रहती है। ताच्छरी, आप नहीं जानते, आपके पुत्रों की आत्माएं उनके दाह संस्कार के लिए कितनी व्याकुल हैं। हां महाराज, उठिए, उठिए महाराज, चलिए महारानी, आइए। यह करनी का दंड है या है समय की मार, पुत्रों का करने चला पिता अग्नि संस्कार। ऐसे महाविनाश का उत्तरदायी कौन, मौन प्रश्न करता रहे, उत्तरदाता मौन। हाँ
ईश्वर, जिस प्रकार तूने मुझे आंखें नहीं दी, उसी प्रकार काश तूने मुझे ये दो हाथ भी न दिए होते, जिनका मुझे अपने ही पुत्रों की चिता को आग लगाने के लिए प्रयोग न करना पड़ता। युधिष्ठिर, आज्ञा माताश्री। युधिष्ठिर, तुम इतने निर्दयी क्यों हो गए कि मेरे 100 पुत्रों में से एक को भी हमारे लिए जीवित नहीं छोड़ा? क्यों युधिष्ठिर, क्यों? बोलो।